तो आज हम जाने वाले पहले दोस्तों, हाँ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, मम्मी पूछ रही थी कुछ, तो आज हम जाने वाले दोस्तों के पास, फिर उसके बाद जाएंगे एक जगह जो नई खुली है दिल्ली में, वो देख के आएंगे, विजिट करके आएंगे। बाकी चलो यार थोड़ा शेयर वगैरह कर दिया करो वीडियो में। तो दोस्तों बस में बैठ गया, अब यहाँ से जाएंगे उत्तम नगर, टाइम लगेगा, चलो पहुंचते फिर आपको मिलेंगे, बहुत सर्दी होगी आज। तो दोस्तों विकास नगर कट वन पे पहुंचा, अभी दोस्तों के साथ मिलने जाऊंगा, अभी दोस्त के घर पे, वो रिक्शे में इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फोन छीनने का खतरा हो सकता है, इसलिए नहीं बनाई। बाकी अभी हम चल रहे हैं दोस्तों के पास, कॉल करता हूँ उसको, वो लेने आएगा। देखो दोस्तों ये रहा, मुझे वन पे उतार के खुद टू पे चला आया अजीब हाल इन लोगों का। तो दोस्तों पहुंच गए हैं भाई के घर पे, ये देखो ये रहा भाई सो रहा, अभी एक दोस्त और आने वाला, अभी जॉन का सेक्टर 10 में है, वो आएगा, टाइम लगेगा, तब तक वेट करते हैं थोड़ा सा। ये देखो हमारे गुरुजी आ गए गुड़गांव से, पता नहीं कहा भाई, बहुत टाइम नहीं लगा दिया तूने आने में, बस खराब हो गई इसे यार, मैं क्या करता इसमें तेरी किस्मत खराब है मैं टाइम पे हूँ, टाइम फास्ट चल रहा था और एक बर्तन मांज रहा है, दूसरा चाय बना रहा है, देखो बैचलर लाइफ कैसी होती दोस्तों। दोस्तों गुरुजी ने आज बनाया मैगी देखो गर्मा गर्म, थोड़ा नॉर्मल है पर मजा आएगा है। मजा तो आएगा भैया, देखो बैचलर्स की लाइफ कैसी होती है, जो चीज में बनाए उसी में खाएंगे। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार, ये आई चम्मच गर्म है ना, गर्म है भैया गर्म है, नहीं वो तो मैं हटा दूंगा, उससे क्या दे, वो तो एडिट हो जाता है यार, हटा देना एकदम, याद से ना बोले इसका टॉपिक, हम लोग का टॉपिक छेड़ा था। और कुछ सर इसमें कुछ खास मिला के डाल दे, ये क्या है ये ज्यादा हो जाएगा, ये सब मत डालना। तो दोस्तों मैगी खा तो ली हमने, अब सोच रहे हैं कि सराय खाले खा जाएंगे, अगर मैं ये वो दोनों भी कह रहे हैं चलने को, अगर चलते हैं दोनों तो इनके साथ भी चलेंगे, बाकी भाई बैठ के निकलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, 3:48 हो गए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। चलो बहुत दिनों बाद दोस्तों से मिले ये रहे भाई, नमस्ते से रहना पड़ेगा मेरे आगे सर बहुत दिनों बाद, यही है जॉब पे, जो मैं जॉब कर रहा था उसी में थे साथ हमारे, इतनी खुशी की बात है। तो वही दोस्त है, तो बहुत टाइम हो गया था, बुलाया था चलो मिलते हैं, तो मिलने आया था बस, इसलिए तो सोचा था यहीं से निकल लूं, पर ये लेट आया तो इसी चक्कर में थोड़ा लेट हो गए। बाकी शुभम कहाँ गया, सोम छत पे बात कर, घर से निकल गए, अब यहाँ से हम जाएंगे, अगर मन करेगा तो निकलेंगे सराय खा लेगा, वरना सीधा घर जाएंगे, प्लान तो यही है, पहले यहाँ से निकलते हैं, भाई छोड़ने जा रहे हैं हमें, यही सीधे चलना है ना, हाँ सीधे ही चलना, सीधे बाइक ले लेंगे चलो घर की तरफ, घर मतलब मेट्रो की तरफ चलते, मन किया तो जाएंगे, नहीं मन किया तो सीधा घर चलेंगे, और क्या कर सकते। तो दोस्तों फाइनली उत्तम नगर पहुंच गए, अब यहाँ से मैंने गौतम को बुलाया, गौतम आ रहा है 20 मिनट में, तो हम यहाँ से कहीं जाएंगे घूमने, या सराय खाले खा जाएंगे, या फिर द्वारका सेक्टर 11 वहां पे मेला लगा है तो वो भी देख सकते हैं, अभी सराय खाले खा जाएंगे, कंफर्म नहीं है कहाँ जाना है, देखते हैं उसको आने दो फिर पता करते कहाँ जाना। तो दोस्तों 50 मिनट होने वाले, गौतम अभी तक नहीं आया, बोला था 20 मिनट में आ जाएगा पर 50 मिनट हो गया अभी तक नहीं आया, गुस्सा चढ़ रहा बहुत ज्यादा, पता नहीं कहाँ मर रहा है। तो दोस्तों भाई साहब आ गए हैं, आधा घंटा लगाने के बाद कि रिक्शे वाले का रिक्शा फट गया, मतलब टायर फट गया था, सो क्या रहा ना, क्या हो गया नींद आ रही है। तो दोस्तों फाइनली सराय खाले का पहुंच गए हम दोनों, अब यहाँ से हम जाएंगे एक जगह जो कि बिल्कुल नई खुली है इस जगह पे, तो वो विजिट करने आए हैं, वो भी देख लेते हैं, बाकी चलते हैं कहाँ से जाना ये भी देख लेते हैं, पता नहीं कौन सी जगह, मुझे लग रहा है टाइम लगेगा यहाँ से, क्योंकि नए है, नई चीज है, नई जगह है, तो देखने में थोड़ा ढूंढने में टाइम लगेगा, ढूंढते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पे पहुंच गए हैं, ये जगह देखो ये पीछे बैम्बू से बनी है, बैम्बू पार्क भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बैम्बू पार्क है, बाकी हम अंदर जाके देखेंगे, इसकी टिकट 50 रुपए शायद से मैंने जितना सुना 50 रुपए ही है, अंदर जाके हमें पता चल जाएगा कितने की टिकट है, तो चलो चलते हैं अंदर, मेरे 50 रुपए बर्बाद हुए ना, इसको मारूंगा। ये क्या बात करता है यार, भाई जगह बहुत सुंदर है भाई, यहाँ पे फाउंटेन में अभी रंग बिरंगे, इतनी खुशी की बात है, शो भी होगा, ठीक है भाई देखते कैसा है सुरूर यहाँ का, बिल्कुल बिल्कुल भाई, बहुत सर्दी होगी, पता नहीं कल रात सर्दी कैसे होगी, नाक साफ करते करते पूरे मेट्रो में बह रही है, पूरा एक रुमाल बर्बाद कर गीला कर दिया, दूसरा रुमाल निकाला है मैंने, इतनी निकल सर्दी हो गई है, ओह मैं 2 मिनट नाक साफ कर लूं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। तो दोस्तों ये है जगह, थोड़ा सा पानी वगैरह देख लीजिए आप, थोड़ा सा आगे चलते कैसी है देख लेते।
आपको देना नहीं था? नहीं, अब चलो भैया टिकट ले लिया हमने, अब थोड़ा सा घूमेंगे, फाउंटेन वगैरह देखेंगे और मौज करेंगे। आइए देखते हैं मजा आएगा। चलो फाइनली पार्क में आते, मेरे को एक इंटरेस्टिंग चीज दिखी है। क्या? फाउंटेन। फाउंटेन तो हम देखेंगे अभी जाके। कैसा लग रहा है फाउंटेन देख के? देख भाई बहुत दूसरी बार देख रहे हैं, देखते हैं कैसा है पास थोड़ा जाके ना भाई, इन लोगों को दिखाना चाहिए क्या? नहीं चाहिए क्या? दिखा दे, अच्छा लगेगा इनको भी। दिखा दे, कर दे यार, एहसान कर दे यार। ठीक है ठीक है ठीक है, दिखा दे दिखा दे। ये गाइस ये है फाउंटेन शो, इसके 50 रुपए लिए हमसे। 50 रुपए? असंभव। 50 रुपए लग रहे कलाबाजिया, देख लो गाइस नहाने जा रहे हैं के अंदर। ये आनंद भाई गोवा वाली फीलिंग ले रहे हैं। गोवा में भी ऐसे पत्थर होते हैं क्या? अच्छा हाँ, मैं तो गया नहीं पता। तो आपको लगता है कि 50 रुपए एक जगह के लिए वर्थ है कि नहीं है? पर अभी तो हमने एक ही चीज देखी कि उस तरफ मुझे लग रहा है, उस तरफ मेन शो उस तरफ चल रहा है, और लगता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। यहाँ पे तो मुझे कोई वर्थ नहीं लग रहा है 50 रुपए देना, पर अगर उधर कुछ मस्त हुआ तो वर्थ होगा ये 50 रुपए हमारे लिए। तो चलो चलते हैं। नहीं गाड़ी डरा दिया है कैसे? आनंद का झूला छिन गया। शाबाश बेटा, भाई बहुत दिन हो गए थे झूले में। भाई का गोरिल्ला जाग गया। ये क्या है भाई? मुझे डर लग रहा है टूट ना जाए। थोड़ा सा डर रहा है इसमें। गोरिल्ला इसमें है तो गोरिल्ला पेड़ देखते पागल हो गया। ओहो ओहो जिम रैट। तो दोस्तों आपने देख लिया था, ये फाउंटेन वगैरह तो चल ही रहा है, अब इसे हम आगे देखते हैं कि इसके आगे है क्या, मतलब देखने लायक है जगह कि नहीं। 50 रुपए मुझे लग नहीं रहा वर्थित है, क्योंकि मैं देख कर आया था, वो बंदा भी कह रहा था इस जगह के लिए 50 रुपए वर्थित नहीं है। फिर भी हम आए हैं आपके लिए, क्योंकि ये जगह थोड़ी सी अच्छी लगी थी। पर 50 रुपए 50 रुपए होते हैं भाई ना भाई गौतम? बिल्कुल भाई, 50 रुपए थोड़े महंगे हो जाते हैं। फिर भी वो जगह थोड़ी सी लग रही है देखने लायक। चलो आपको आगे लेके चलते हैं। 5 मिनट चौमिन खा लेना। अभी भी तुझे खाने का ही सूझ रहा है। तो दोस्तों इसी मौके पे एक हैंडस्टैंड तो बनता है, सुहाना मौसम है, मस्त प्लेस भी है, तो एक हैंडस्टैंड तो मैं करके जाऊंगा यहाँ। और अटेम्प्ट एक और एक और एक बार ये ज्यादा चौड़े होने की गलती है। ये देखो दोस्तों ये जगह, यहाँ से आपको देखने में कितना मतलब व्यू जो है ना कमाल का व्यू है। अभी अगर हम उससे आगे जा सकते तो देखते हैं, आगे जा पाते तो मजा ज्यादा आएगा। आइए शायद वो सिग्नेचर ब्रिज है। हाँ तू ही है ना मेरी बंदी? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो। चल बेटा तेरी मम्मी तो बोलते है तुम दोनों आपस में शादी कर लो। हाँ कहाँ बोलते मेरी मम्मी? तेरी मम्मी ने बोल रखा, तेरी चाची ने बोल रखा, तेरे चाचा ने भी बोल रखा है। समझ रहे हो ना? इतना साथ में रहते हो शादी कर लो। बस बस भाई बस शांत शांत हो जा, सबर कर सबर। तू सबर कर। वो सिग्नेचर पीस नहीं है भाई, वही है वो नहीं है वही है ब्रो। सब चीज यहाँ पे दोस्तों सब चीज बैम्बू से बनी है, इसलिए ये बैम्बू पार्क भी कह सकते इसे। गौतम को तो पता नहीं है, पर मैंने पहले आपको वीडियो में पहले बताया था मेरे गाँव में। अरे चल अरे चल गए, बता रहा हूँ भाई ये तो सूखे सूखे बांस है मेरे गांव में ना, मेरे खुद के खेत में इतने बांस है भाई, बांस ही बांस मारूंगा तेरे सिर पर, बर्बाद करवा दिए। 50 रुपए ओवर एक्टिंग के कार्ड ले जाएंगे तेरे। और मैं काम पे जाना है, नासा से पहले पहुंच जाऊ। जा भाई चांद पे जा, फोटो क्लिक करवा ले। ओ भाई मैं चांद पे जा रहा हूँ। उड़ मत जाइयो बस, चांद पे तो पहुंच गया, लेकिन मैं झंडा लाना भूल गया, चांद पे झंडे गाड़ ना बोल लू, मैं बोल लू ना बोल। दोस्तों इस चांद को देख के ऐसे लग रहा है कि एक गाना याद आ गया, आ ले चलो तुझे। क्या था वो गाना? तारों के शहर में, तारों के जाके इलाज कराओ। तार तार ये चंद्रमा वाला कौन सा एक गाना था ना? अरे यार चांद के पार चलो, बोले जूम करके मेरी और उसकी, चांद का गाना ये अपनी उसमें मंगाना है कुछ, इसको पता नहीं है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। भेड़े जा रहा कुछ भी है, कुछ ना कुछ तो सही होगा। ये फुटबॉल खेली जा रही है कंदू के। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो नजारा बहुत अच्छा, अभी थोड़ी और रात हो जाएगी तो यहाँ पे फाउंटेन शो भी होता है, लाइट फाउंटेन मतलब शो ही होता है यार, लाइटिंग भी होती है, फाउंटेन चलते हैं गानों के हिसाब से, चल ही रहे हैं। बाकी वो चंद्रमा आपको दिख ही रहा है, पता नहीं मतलब मैं जो कहना चाहता हूँ 50 रुपए यहाँ पे वेस्ट है, मत आइएगा दोबारा कभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता वापिस आना चाहिए आपको। विंटेज
तो दोस्तों थोड़ा लाइट शो भी देख लो, कुछ खास है नहीं ऐसा, थोड़ा सा आसपास का भी देख लो, देखो मूवमेंट कितना मस्त बना हुआ है। यहाँ पे मैं एक चीज के लिए कह सकता हूँ कि हमारे पैसे वेस्ट नहीं हुए, बिकॉज ऑफ द मैटर ऑफ दैट व्यू हमें काफी अच्छा लगा। यहाँ पे सामने हुमायूं टॉम दिख रहा है मस्त, और बाकी हाँ मेरे को यहाँ का सनसेट मस्त लगा। टाइम पे आया हम बिल्कुल, वैसे सही बता तो सही टाइम पे आया, डे का टाइम भी देख लिया, अब शाम हो गई है, शाम का टाइम भी देख लिया, तीनों देख लिया, मजा आ गया। आ जाओ तुम नीचे बैठेंगे। दोस्तों थोड़ी देर में निकलेंगे, पर अब थोड़ा सा लाइट शो का एंजॉय कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर में हम निकलेंगे, तब आपसे मिलेंगे ना भाई गौतम। अरे इसका पतला पानी कर लिया हमने पूरी तरह, अब यहाँ से हम जा रहे हैं डोर का सेक्टर 11, आपको जगह दिखाने जिसके हम सेकंड वाले, इसमें तो पैसे बर्बाद हो गए, पर अब दूसरी जगह जाएंगे, वहां पे शायद से पैसे वसूल होंगे आई थिंक, पर पता नहीं अभी कैसे जगह है, हम पहली बार जा रहे हैं तो आपको दिखाएंगे, तभी पता चलेगा, हमें भी पता चलेगा। चलो भाइयों अब मेट्रो में वीडियो बना नहीं सकते क्योंकि फाइन लग जाता है, तो आपको सीधा डॉक्टर सेक्टर 11 ही पैसे। तो दोस्तों फाइनली अब हम नहीं जा रहे हम मेला देखने क्योंकि ज्यादा लेट हो गया, तो इसलिए हम अब सीधा लेट हो गया, क्या पता एंट्री का चक्कर पड़ जाता। हाँ तो इसलिए अब सीधा घर जा रहे हैं, रोल खाते खाते। आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।